आनंद में सराबोर होली के गीतों पर झूमते ब्रजवासी जा रहे हैं राधा रानी के गांव बरसाने। लठमार होली के दिन की शुरुआत होती है नंदगांव से, जहां होरियारे यानी लठमार होली में शामिल होने वाले नंदगांव के लोग तैयार होते हैं और नंदलाल के इसी मंदिर से निकलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आप जो देख रहे हैं रंग में पाग पगलबंदी, जो पारंपरिक श्रृंगार है उड़ियाओं का, उसको धारण कर नंद भवन में सभी उड़ियारे गए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा ली है कि कृष्ण बलराम को लेकर हम बरसाना होली खेलने जा रहे हैं। यहां से निकलने के बाद नंदगांव के ग्वालों का पहला पड़ाव होता है संकेत वन का राधा रमण मंदिर। और इसके बाद प्रियाकुंड, जहां ये लोग सजते सवरते हैं। अब हमने पाक बांध लिए, नाश्ता पानी करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से अपने टीम के साथ जाएंगे, वहाँ समाज होगी पहले हमारी बरसाना और नंदगांव के बीच में, और फिर उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद लठमार होली प्रारंभ होगी। प्रियाकुंड पर फाग गाते और भगवान कृष्ण और राधा को याद करते ब्रजवासियों की धुन हर किसी को भक्ति के रस में डुबो देती है। लठमार होली के साथ इंद्रधनुषी रंग अलग ही छटा बिखेरते हैं। सदियों से ये महान परंपरा चली आ रही है, हर साल के साथ इसके रंग और चटक हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है राधा रानी मंदिर की, जहां उड़ते अबीर और बरसते रंग में ग्वाल बालों के साथ दर्शक भी होली के मद में मस्त हो जाते हैं। फिर निकलते हैं रंगीली गली, जहाँ ग्वाल बालिन इनका अपनी लाठी लिए इंतजार करती है। फिर शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। फागुन की मस्ती के साथ श्याम रंग में रंगी प्रेम की लाठियां नंदगांव से आए होरियारों पर बरसती हैं। होरियारिनों की लाठियों की मार का नजारा देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं। ब्रज की संस्कृति की अनूठी मिसाल ये लठमार होली सदियों से यूं ही चली आ रही है। कहते हैं भगवान कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ यहाँ आते थे और राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ उन पर ऐसे ही प्रेम भरी लाठियां बरसाती थी। अपनी री अपनी महल सोने किसी कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मदमाती, अरे सब वयस की थोरी रगुइया आज खेरे होरी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। चलो गुइया आज खेरे।